हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी रवा इडली। तो बिना कोई मेहनत के घंटों दाल चावल को भिगाए हम यहाँ पे सिर्फ एक कटोरी सूजी से बनाने वाले हैं सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी इडली। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। तो एक कप सूजी लेनी है आपको और एक कप दही लेना है। जिस कप से आप सूजी ले रहे हैं उतनी ही आपको यहाँ पर दही ऐड करनी है, उसका ध्यान रखना। तो ये दोनों मेज़रमेंट लेके हम दही और सूजी को अच्छे से मिलाएंगे और अच्छे से यहाँ पे जो सूजी दही के साथ अच्छे से मिल जाए तब तक हमें यहाँ पे उसे मिलाते रहना है। तो जब तक दही के साथ सूजी नहीं मिलती तब तक यहाँ पे आप अच्छे से मिलाते रहिए, और ज़रूरत अगर लगती है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं जिससे आपका बैटर हल्का सा सॉफ्ट बने। उसके बाद यहाँ पर हमें बैटर को अच्छे से और मिला देना है और 5 मिनट तक हम उस बैटर को अच्छे से मिलाएंगे। मिलाने के बाद हमें ढक्कन से ढककर 5 मिनट उसे रेस्ट देना है जब तक हमारी सूजी दही के साथ मिलकर अच्छे से फूल जाए। तो उसके बाद हमें यहाँ पे फिर से कंसिस्टेंसी चेक करनी है 5 मिनट के बाद, और फिर से अगर हमें ज़रूरत लगती है तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा थिक यानी मोटा बैटर चाहिए होगा, इसलिए हमें यहाँ पर उस तरह से कंसिस्टेंसी बिठानी होगी। तो देखिए आप यहाँ पे जैसे मैं मिला रही हूँ, अगर पानी की ज़रूरत लगे तो थोड़ा थोड़ा करके डालिए और थिक कंसिस्टेंसी वाला बैटर यहाँ पे रेडी कर दीजिए। तो यहाँ पे लगभग हमारा बैटर रेडी हो चुका है और यहाँ पे हम उसमें ऐड कर देते हैं नमक। तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हो जितना आपको अच्छा लगे। उसके बाद अच्छे से नमक को यहाँ पर सूजी में मैंने मिला दिया है। अब यहाँ पर हम इस तरह से बैटर को कंसिस्टेंसी में तैयार करेंगे। अब ले लेनी है आपको 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा और वो मिलाकर ऊपर से 2 स्पून पानी डालिए और अच्छे से इस बैटर को बेकिंग सोडा के साथ मिला दीजिए। तो बेकिंग सोडा अच्छे से बैटर में मिल जाए, ज़्यादा आप उसे घुमाइएगा मत वरना जो सॉफ्टनेस और स्पॉन्जीनेस है वो कम हो जाएगी। तो हमें सिर्फ इतना ही मिलाना है कि सोडा अच्छे से सूजी में मिले, ज़्यादा उसे मिलाइएगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपको इडली स्टैंड ले लेना है और अच्छे से यहाँ पे उसको ऑयल थोड़ा सा डाल के स्टैंड को ग्रीस कर लेना है, जिससे कि क्या होगा हमारी जो इडली होगी वो चिपकेगी नहीं। तो उसके बाद आपको इडली स्टैंड लेकर उसमें इस तरह से आप इडली भर दीजिए। तो देखिएगा कि कम ही डालिएगा क्योंकि जब इडली बनकर तैयार होगी तो वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी क्योंकि वो फूल जाएगी। तो इसीलिए आपको बैटर थोड़ा सा कम डालना है, बैटर ज़्यादा डालेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से मैंने रेडी कर लिया है स्टैंड में इडली को, इडली के बैटर को। और अब यहाँ पर मैंने कुकर पहले से ही पानी गर्म करने उसमें रख दिया था, उसके बाद उसमें मैं स्टैंड रख दूंगी और उसे करीबन 10 से 12 मिनट तक मुझे स्टीम करना है। तो इडली स्टीम हो जाए उसके बाद उसे ठंडा कर लीजिए। ठंडा होने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर अच्छे से हमारी इडली जो है वो रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे चम्मच या फिर नाइफ़ जो भी आपको ठीक लगे उसकी मदद से आप यहाँ पर अपनी सारी इडली को 1 बाय 1 स्टैंड से निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं कैसे 1 बाय 1 धीरे से निकालना उसे, और ध्यान रखना कि आप उसे ठंडा होने दें। अगर ठंडा नहीं हुआ है आप गर्म में निकालेंगे तो आपकी इडली टूट जाएगी। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे कि ठंडा होते के बाद ही आप यहाँ पे नाइफ़ को उल्टा करके उल्टे साइड से आप उसमें से इडली स्टैंड में से इडली को निकालें। तो यहाँ से लगभग सारी ही मैंने इसी तरह से इडलियों को निकाल दिया है, देख सकते हो आप। अगर आपके पास इडली का स्टैंड नहीं है तो यहाँ पे हम इस तरह से छोटी छोटी कटोरियाँ लेकर भी इडली बना सकते हैं क्योंकि सबके पास स्टैंड नहीं होता है। तो यहाँ पे कोई भी कढ़ाई ले लीजिए, ऊपर ऐसे छलनी जैसी कोई थाली रख दीजिए जिससे कि स्टीम आए इडलियों को, और जिस तरह मैंने रखा है उस तरह आप कटोरी में इडली बना सकते हो। तो यहाँ पे ढेर सारी इडलियाँ हमारी बहुत ही कम मेहनत में बिना दाल चावल रात को घंटों भिगोए तैयार हो चुकी है। सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये इडली बनकर रेडी हो जाएगी। तो उसे सांभर या चटनी के साथ इंजॉय करें।